आप जानते हैं कि एक्ट्रेस राखी सावंत अपने मेलोड्रामा और हरकतों से भीड़ को आकर्षित करने के लिए जानी जाती है। राखी उम्रा की धार्मिक यात्रा के लिए मक्का गई थी। उसने इस्लाम कब कबूल किया? पिछले साल जब उसने आदिल खान दुरानी से निकाह किया था तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। हालांकि इस जोड़े के रिश्ते में समस्याएं आ रही है और वे अलग हो गए हैं। इसी कारण वह मक्का गई थी। अपने उम्रा के बीच राखी ने दुआ करते हुए लोगों का एक वीडियो अपलोड किया और फिर कैमरा अपनी ओर घुमाया। उसका चेहरा लाल था, वह रो रही थी और नाटकीय ढंग से अल्लाह से दुआ कर रही थी। वह कह रही थी कि आदिल ने उसे प्रताड़ित किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके बारे में फर्जी कहानियां फैलाई। उसने पूछा कि उसे कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। उसका दावा है कि आदिल ने उसे शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और उसने शादी सिर्फ बॉलीवुड में प्रवेश कर सके उसके लिए की थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसका वीडियो वायरल हो गया। एक अन्य वीडियो में राखी अपने भाई अभिनेता सलमान खान और अन्य बॉलीवुड हस्तियों से उम्रा करने का अनुरोध करती नजर आ रही है। कई ऑनलाइन यूजर्स को उसकी तस्वीरें और वीडियो आपत्तिजनक लगे और काफी नाराज हुए। कई लोगों ने पूछा कि क्या वो बेवकूफ है। कई लोगों ने कहा कि मक्का सहित किसी भी पवित्र स्थान पर अशांति पैदा करने के लिए बिल्कुल नुशांत थी वो। लोगों का कहना था कि जब तक वह अपनी अजीब हरकतें और ड्रामे को मुंबई की सड़कों तक ही सीमित रखती थी तब तक ठीक था, लेकिन मक्का जैसे शांतिपूर्ण और पूजनीय पवित्र स्थान पर ऐसी चीजें करना अस्वीकार्य है। कई लोगों ने पूछा कि क्या उसमें थोड़ी सी भी अकल है। जब वह सफेद अबाया पहनकर हवाई अड्डे से बाहर आ रही थी तो रिपोर्टरों ने उसका नाम राखी कहकर बुलाया। उसने रिपोर्टरों से कहा, राखी नहीं, मुझे फातिमा कहो, मैंने इस्लाम अपना लिया है और ये मेरा नाम है। इसके बाद फोटोग्राफर ने उसे फातिमा कहना शुरू कर दिया। एक आदमी ने उसके गले में माला डालने की कोशिश की लेकिन वह उससे दूर हट गई। हालांकि उसने एक महिला को अपने गले में माला डालने दी। जब किसी ने उससे पूछा कि हिंदू धर्म में क्या समस्या है तो उसने कहा, हिंदू धर्म में कोई खराबी नहीं थी, मैंने निकाह किया था। जब निकाह करते हैं तो आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं, इसलिए मैंने धर्म परिवर्तन किया। राखी के पति आदिल जेल में था और हाल ही में जमानत पर रिहा होने के बाद उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने राखी द्वारा उस पर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और राखी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। राखी के नाटक के बाद एक और सेलिब्रिटी उर्फी जावेद, जो अपने साहसिक कपड़ों के लिए जानी जाती है, ने अपने प्रशंसकों को चौंका दिया। इस बार तो उसने अपनी ड्रेस को लेकर सारी हदें पार कर दी। उसने पारभासी प्लास्टिक की थैलियां से बनी ब्रा पहनी थी जिनमें प्रत्येक में जीवित मछलियां थी। बैग एक्वेरियम की तरह लग रही थी। कुछ सुनहरी मछलियां प्लास्टिक की थैलियों के भीतर तैरती देखी जा सकती थी। इसका एक वीडियो भी वायरल हो गया। उर्फी एंजॉय करती नजर आई। उसने ब्रा के साथ ब्राइट पिंक पैंट भी पहनी थी। लोग इस बात से हैरान रह गए
हालांकि ऐसा लगता है कि वह अपना दिमाग खो चुकी है और जानवरों को कपड़ों के रूप में इस्तेमाल करने लगी है। राखी और उर्फी दोनों ही ज्यादा अजीब होती जा रही है।